पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब 2012 से फरार खोराबार थाने का 25,000 का इनामी खोराबार का हिस्ट्री सीटर को उसने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया, क्षेत्राधिकारी कैंट के निर्देशन में इंस्पेक्टर खोराबार द्वारा, जिसमें खोराबार थाने की पुलिस टीम पूरी शामिल है, 2012 से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त दीप चंद निषाद को, जिसके 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, आज गिरफ्तार किया गया। और यह अभियुक्त सातर किस्म का है, 2012 से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के क्रम में न हो पाने के कारण पिछले 6 महीने पहले इसके घर की इसके संपत्ति की कुर्की कार्रवाई भी की गई थी और इस पर इनाम घोषित कराया गया था, उसके 25,000 रुपये का इनाम था। आज इंस्पेक्टर खोराबार ने अपनी टीम के साथ इसको वाहन चेकिंग के दौरान बटलिया चौराहे के पास दिन में गिरफ्तार किया। क्या कोई गिरोह भी है इनका संगठित? ये इनका काफ़ी बड़ा परिवार है और इनका भी लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास है। दीपचंद का स्वयं का इन पर 18 मुकदमे हैं और इनके परिवार की भी आपराधिक पृष्ठभूमि है। ये लोग जमीन के खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं, काफ़ी ज़मीनें फर्जी तरीके से खरीद के उसकी हेरा फेरी भी करते हैं।